तो नमस्कार दोस्तों आज हम जो आपकी 2001 वाली कैसेट दिखाने वाले हैं इसका नाम है बस इतना सा ख्वाब है इसमें अभिषेक बच्चन एवं रानी मुखर्जी की जबरदस्त अदाकारी थी और इसमें म्यूजिक दिया था आदेश श्रीवास्तव ने यदि आपने उस ज़माने में ऑडियो कैसेट से गाने सुने हैं तो ये चैनल सिर्फ ही के लिए है तो आपको वीडियो एंड तक देखते रहना है वीडियो को लाइक करना है और बस इतना सा ख्वाब है फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है तो चलिए चलते हैं सन दो हज़ार एक के ऑडियो कैसेट वाले ज़माने में और देख लेते हैं बस इतना सा ख्वाब है कि ऑडियो कैसेट का म्यूजिक भरा रिव्यू तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी फेवरेट ऑडियो कैसेट फिल्म का नाम है बस इतना सा ख्वाब है और हमारे पास दो कैसेट हैं जिस कंपनी पर आई थी उस कंपनी का नाम है यूनिवर्सल कैसेट और जैसा कि यदि आपने फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म में हमको मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए थे अभिषेक बच्चन जकी स्रॉफ सुष्मिता सेन एवं रानी मुखर्जी और इस फिल्म के यदि हम डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम था गोल्डी बहल इसके प्रोड्यूसर थे मधु रमेश बहल और गानों में म्यूजिक दिया था जैसा कि आप जानते हैं आदेश श्रीवास्तव ने तो चलिए अब आपको हम कैसेट दिखा देते हैं तो पहले हम ये वाली मास्टर कैसेट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पोस्टर बड़ा ही शानदार है अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी का फोटो और यहाँ पर लिखा है बस इतना सा ख्वाब है यूनिवर्सल का लोगो देख सकते हैं यहाँ पर इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जानकारी लिखी हुई है म्यूजिक दिया था आदेश श्रीवास्तव ने तो उनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है बस इतना सा ख्वाब है बैक साइड में सुष्मिता सेन का फ़ोटो और गाने लिखे हुए हैं टोटल आठ गाने हैं रही बात इसकी प्राइस की तो उस ज़माने में इसकी प्राइस थी पचपन रुपये और पाँच दो हज़ार एक की पैकिंग है तो ये मास्टर कैसेट है चेक कर लीजिए ये रही बस इतना सा ख्वाब है कि ओरिजिनल मास्टर कैसेट यूनिवर्सल के बैनर तले ये साइड ए है ये साइड भी है भाई कैसे थी कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू है और बहुत ही शानदार है चलिए अब इसका बड़ा वाला पोस्टर देख लेते हैं तो ये रहा बस इतना सा ख्वाब है कि मास्टर कैसेट का पोस्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं जकी स्रॉफ एवं अभिषेक बच्चन बीच में सुष्मिता सेन इधर देख सकते हैं रानी मुखर्जी एवं अभिषेक बच्चन ये इसकी फ्रंट साइड है और ये रही इसकी बैक साइड उसी प्रकार इसकी बैक साइड भी शानदार है अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी जकी सरॉफ कई फ़ोटो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पोस्टर है कैसा लगा पोस्टर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है चलिए पोस्टर के बाद हम आपको सुना देते हैं बस इतना सा ख्वाब है कि छोटे छोटे गानों की झलकियाँ वो भी ऑडियो कैसेट से तो साइडे का जो पहला गाना है गाना बड़ा ही शानदार है गाने के बोल हैं ये आवाज़ आवाजदी हैं अलका याग्निक शान और इस गाने को लिखा है गोल्डी बहल ने एवं श्याम राज ने साइड ए का यदि हम दूसरा गाना देखें तो ये गाना उस जमाने में बहुत मशहूर था गाने के बोल हैं कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए आवाज दी है अलका याग्निक एवं सान ने और इस गाने को भी लिखा है गोल्डी के बोल हैं दिल आवाज दी है हेमा सरदेसाई सुखविंदर सिंह एवं सान ने और इस गाने को लिखा है देव कोहली ने साइड ए का चौथा गाना गाने के बोल हैं छोटा सा मन है आवाज दी है अलका याग्निक रूप कुमार राठौर एवं के के ने और इस गाने को लिखा है मोना अलवर एवं गोल्डी बहल ने चलिए साइड बी के गाने और सुन लेते हैं तो साइड बी का पहला गाना गाना बड़ा ही शानदार है गाने के बोल हैं गंगा मैया आवाज दी है सोनू निगम ने और इस गाने को लिखा है निदा फाजली ने साइड बी का दूसरा गाना गाने के बोल है क्या हुआ आवाज दी है अलका याग्निक एवं शान ने और इस गाने को भी लिखा है गोल्डी बहल ने ये ये हो हो गया है? ये क्यों हो गया है क्यों साइड वी का तीसरा गाना एक बार फिर से आ गया है गाने के बोल कुछ ऐसा जहाँ हम बनाए अलका याग्निक एवं की आवाज में और इस गाने को लिखा है गोल्डी बहल ने साइड वी का चौथा लास्ट गाना गाने के बोल है झूमे ये जिंदगी आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने तो दोस्तों अभी आपको मैंने बस इतना सा ख्वाब है का एक बहुत ही प्यारा पोस्टर दिखाया और साथ में ऑडियो कैसेट से ही छोटे छोटे गानों की झलकियाँ सुनाई अब कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में बताना और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लेना ये दूसरी कैसेट है चेक कर लीजिए पोस्टर बिल्कुल सेम है अभी अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी का फोटो बस इतना सा ख्वाब है सेम प्राइस है सेम पैकिंग है सेम गाने हैं लेकिन हमारी जो रिव्यू वाली कैसेट होती है ना वो सेल के लिए नहीं होती ये साइड ए है ये साइड बी है रही बात पोस्टर की तो पोस्टर भी बिल्कुल सेम ही होना चाहिए चेक कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल सेम है ये फ्रंट साइड है और ये रही इसकी बैक साइड तो उम्मीद करता हूँ सन 2001 में आई बस इतना सा ख्वाब है का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना चलिए कल शाम के सात बजे मिलते हैं ऐसी किसी अगली ऑडियो कैसेट के रिव्यू में जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद